हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रसोई मेगा की में। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स लेके आए हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहली टिप है हमारी ये प्याज को लेकर के। हम लोग क्या करते हैं कि प्याज कभी कभी क्या होता है कि हम ये आधी यूज़ कर लेते हैं, आधी हमारी प्याज ये बच जाती है, तो इसको रखे कैसे तो ये खराब हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ पे सरसों का तेल और इस प्याज पे हम सरसों का तेल इस तरह से ये लगा देंगे। और इस तरह से प्याज पे सरसों का तेल लगाने के बाद हम इसको कटोरी में इस तरह से करके और फ्रिज में इसको रख देंगे। और आप इसको आराम से कितने भी दिन रखा छोड़ दें ना, फ्रिज में बदबू आएगी और आपकी प्याज जो है वो ऐसे ही सही सलामत रहेगी और आप इसको आराम से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी थी पहली टिप, पसंद आई होगी आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये है हमारी दूसरी टिप। ये क्या होता है, इस तरह के पैकेट तो सभी के घरों में होते हैं फ्रेंड्स। ये हैंड वॉश का हो या फिर किसी सॉस का पैकेट हो, टोमेटो केचप का, किसी भी चीज़ का पैकेट होता है, तो क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा रह जाता है तो उसको निकालने में इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम ऊपर को ऐसे प्रेस करते हैं वो बार बार अंदर चला जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको ये आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लेना है बेलन, और बेलन लेने के बाद आपको इस तरह से इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। ये देख सकते हैं आप, टोमेटो केचप हो या कुछ भी हो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको ऊपर से ये प्रेस कर लेते हैं और अब आप ये देख सकते हैं ये सारा ऊपर आ गया है। और ये देख सकते हैं हम इसको आसानी से अब इससे निकाल सकते हैं। तो ये आपको टिप मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारी अगली टिप है ये कुकर की सीटी को लेकर के। क्या होता है, हम लोग कुकर तो बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं उसका ढक्कन और उसकी रबड़, लेकिन ये सीटी पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए, इस तरह की सीटी में गंदगी जमा हो जाती है जिससे कि जो बहुत ही ज़्यादा हम लोग की सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो ये गंदगी उसमें जाती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या होता है, कभी कभी कि आपने सुना होगा कि कुकर फट गया तो इसी के कारण फटता है। सही से हम लोगों की स्टीम नहीं बनती है और प्रेशर नहीं बनता है सही से, जिससे कि कुकर हमारा फट जाता है। तो इसको हम आप साफ करने का एक बढ़िया तरीका बताते हैं आपको। इसके लिए क्या करना है आपको, आपको लेना है थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा, और ये बेकिंग सोडा हमें इसमें डाल देना है सीटी के अंदर। थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम सीटी के अंदर डाल देंगे और इसी तरह से हम दूसरे में करेंगे, सीटी के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। ये देख सकते हैं आप, नींबू का रस डालने के बाद क्या हुआ, अब हम इसी तरह से इसमें भी नींबू का रस डाल देंगे और नींबू के रस से हम इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये आराम से बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये कुकर की सीटी क्लीन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ऐसे साफ कर लेंगे और इसमें से बची हुई गंदगी जो है वो हम इस तरह से इस चाकू की हेल्प से इस गंदगी को निकाल देंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी गंदगी निकल रही है इसमें से। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको चाकू की हेल्प से ये सारी गंदगी साफ कर देंगे। बाकी गंदगी साफ करने के लिए हम एक ये ईयरबड लेंगे और इसके अंदर इसको डाल के, ये देखिए आप कितनी गंदगी आ रही है इसमें, इसके अंदर इस तरह से डाल के और इसको ऐसे हम ये सारी गंदगी साफ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि कुकर की सीटी हमारी बिल्कुल चमक जाएगी। तो आपको ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।
अगली टिप है हमारी ये, इस तरह के साबुन के किर्च को लेकर के हम लोग नहाते हैं या फिर हाथ धुलने में साबुन यूज करते हैं। नहाने के बाद ये थोड़ा सा साबुन जब आखिर में रह जाता है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस साबुन को फेंक देते हैं। लेकिन हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं, जो कि आपको ये साबुन फेंकने की ज़रूरत नहीं है और आपका ये साबुन आराम से यूज़ हो जाएगा। आप एक पुराना मोजा ले लीजिए, इस तरह से कोई भी फटा हुआ मोजा हो आपका तो वो आप ले लीजिए, और ये सारी साबुन की किर्च आप इसमें डाल दीजिए। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, मोजा बड़ा है ज़्यादा, और अगर ज़्यादा साबुन की किर्च इकट्ठी हो गई है तो ज़्यादा बेटर है। और इस तरह से आप इसमें गांठ लगा दीजिए, इस तरह से लगा दें हम तब भी बेटर है, वरना इसको निकाल दें और इसका एक्स्ट्रा पार्ट है जो वो काट दें। और फिर इसके बाद हम इसको अपने स्क्रबर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग नहाने जाते हैं तो हाथ पैर वगैरह हम लोग साफ़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने वॉश बेसिन पे इसको रख दें, इसको भिगो के रख लें, हाथ धुल लें कभी हमें, तो हम ज़रा सा इस तरह से हाथों पर लगाएं और क्लीन कर लें। इससे क्या होगा कि ये एक झमे का भी काम करेगा, जिससे हम लोग हाथ पैर वगैरह रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं, ये उसका भी काम करेगा और हमारा साबुन भी बेकार नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, जिससे कि हमें इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारी अगली टिप है ये कद्दूकस को लेकर के। क्या होता है कि कद्दूकस हमारी, ये जो कद्दूकस में ये धार होती है ये नहीं रहती है कभी कभी, तो हम इसको तेज करने के लिए धार को क्या करेंगे, हमारे पास ये पुराने दिए रखे होते हैं, हम इनको फेंक देते हैं, हमको इनको फेंकना नहीं है। अब क्या करना है, कद्दूकस लेना है और इस तरह से ये दिए को चारों तरफ घुमाते हुए हमें इसको घिसना है। इससे क्या होगा कि कद्दूकस की धार जो है वो पैनी हो जाएगी, धार तेज हो जाएगी। इसको घिसने से धार भी तेज होगी कद्दूकस की, और जो गंदगी है हमारे कद्दूकस पे लगी हुई है वो सब साफ हो जाएगी, हमारा कद्दूकस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये देखिए आप, धार भी इसकी तेज हो गई है। ये देखिए जो बुरादा निकला है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ लेंगे हम कढ़ाई या तवे माँजने में, जो कि बहुत ही अच्छे, इससे कढ़ाई या तवे साफ होते हैं और एकदम क्लीन और हो जाएंगे और चमक जाएंगे बिल्कुल। इसी तरह से हम ये दूसरा कद्दूकस भी अपना, इसी तरह से इसको भी हम इसमें भी धार तेज कर सकते हैं। हम चाकू में भी अपने, अगर हमें धार लगानी है तो हम इसी तरह से चाकू में भी धार को लगा सकते हैं और तेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टिप्स सारी पसंद आई हो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।